जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना में सिटी कोतवाली बिलासपुर से जीरो पर मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना नवागढ़ में मर्ग कायम कर जांच कार्रवाई की गई। मर्ग जांच के दौरान मृतिका ललिता कश्यप के पिता श्याम लाल कश्यप, माता रुक्मणी कश्यप, बहन लता कश्यप का कथन लिया गया। गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी मृतिका के पति राम अवतार कश्यप, ससुर राम झरोखा कश्यप, सास फिरतीन बाई, जेठानी आरती एवं ननंद अनुसुईया कश्यप का कृत्य पाए जाने से मर्ग के आधार पर थाना नवागढ़ में अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रकरण विवेचना एसडीओपी दिनेश्वरी नंद द्वारा की गई। विवेचना के दौरान गवाह श्यामलाल कश्यप और रुक्मणी कश्यप के कथन लिए गए। मायके से कुछ सोना चांदी पैसा दहेज में नहीं लाए हो कहकर प्रताड़ित करना, दहेज में मायके से पैसे लाने के लिए प्रताड़ित करना, मृतिका ललिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से इलाज के दौरान मौत हो गई। इस प्रकार आरोपियों का कृत्य सही पाए जाने से आरोपी राम अवतार कश्यप, राम झरोखा कश्यप, फिरतीन बाई कश्यप, आरती बाई कश्यप, अनुसुईया बाई कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ये नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अवरीत का मामला है, जिसमें थाना नवागढ़ को सिटी कोतवाली बिलासपुर से ये जीरो पर मर्ग कायम कर उन्होंने मर्ग डायरी यहाँ पर भेजी हुई थी। मर्ग जांच में जब मृतिका ललिता कश्यप के माता पिता का कथन लिया गया तो उन्होंने अपने कथन में बताया कि मृतिका ललिता कश्यप जो कि उनकी बेटी है, उसके पति राम अवतार कश्यप और ससुर राम झरोका कश्यप, सास फिरतीन बाई, जेठानी आरती और ननंद अनुसुईया, इन सभी के द्वारा इसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। मृतिका ललिता कश्यप जिसकी चार बेटियां थी, तो उनके द्वारा यह कहकर भी प्रताड़ित किया जाता था कि तुम्हारी चार चार बेटियां हैं, इनका खर्च कौन संभालेगा और तुमने दहेज में कोई सामान नहीं लाया है। इस प्रकार की प्रताड़ना उसके साथ लगातार ही की जाती थी। इसमें जांच पश्चात इसमें आईपीसी की धारा 498(3)(4)(b)(34) के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने आरोप का किया जाना स्वीकार किया, जिस पर आज दिनांक को मृतिका के पति राम अवतार कश्यप, ससुर राम झरोखा कश्यप, सास फिरतीन बाई, जेठानी आरती और ननंद अनुसुईया, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और उन सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।